लखनऊ। पुलिस की मुठभेड़ में 25,000 का शातिर अपराधी हुआ घायल। यहाँ से ऐसे मोड़ के इधर क्रॉस करने के बाद उधर से टीम ने इंटरसेप्ट किया माँ के भाग वाले में सूचना प्राप्त हुई थी। परिवार सुतर और हमारी कौन था ये मुठभेड़ हुई है, ये कौन बदमाश था और क्या गिरफ्तारी हो मालूम चला कि फरार है, किस मामले का फरार आरोपी था? देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो हसनगंज थाने में कबीर मठ में जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी थे, जिन तीन आदमियों ने वहाँ घुस के उनकी गोली मार के हत्या कर दी थी, मतलब पहले वो गोली चलाई थी जिसमें बाद में मृत्यु हो गई थी उनकी, तो उसी में ये व्यक्ति हैं। दो यहाँ सूचना थी कि जो इनके दो वांछित अभियुक्त थे जितेंद्र और प्रेम सिंह, वांछित अभियुक्त जो है सूचना थी कि हो सकता है क्योंकि मड़िया पीछे इनका घर है, तो सूचना थी कि शायद वो इस रास्ते में अपना आएंगे, परिवार इनका रहता है, तो उसी सूचना पे पहले से हम लोग अलर्ट थे। और जैसे ही उन्होंने देखा कि पुलिस यहाँ मौजूद है तो उन्होंने स्कर्ट से भागने का कोशिश किया और भागते हुए जो बाइक पे दो सवार लोग थे, भागते हुए एक गिर गया और एक भाग गया है, जिसके लिए पूरा भी टीम लगी हुई है। और दूसरा जब भाग के या नीचे से उतर के भागने की कोशिश करने लगा तो पुलिस ने पीछे घेराबंदी करी, तो उसने पुलिस पर फायर किया जिसमें उसके पैर में गोली लगी है, उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। इसका नाम जितेंद्र है। इनके ऊपर हरदोई में और सीतापुर में बताया जा रहा है लूट और जो मर्डर है उसके मुकदमे कायम है, बाकी इनकी जो डिटेल है पता किया जा रहा है। इसके ऊपर इनाम भी घोषित था? हाँ, इनके ऊपर जो है 25,000 का इनाम घोषित किया गया था क्योंकि उसमें ये वांटेड थे। क्या जो टीम ने ये खुलासा किया तो क्या इसके लिए भी कुछ इनाम की घोषणा की जा रही है? हाँ, वही जो 25,000 का इनाम है वो इनको दिया जाएगा। इसे गिरफ्तार करने वाली टीम में कौन कौन शामिल? ये हमारे ये सीपी सर की क्राइम ब्रांच की टीम और हमारे टीमें जो क्राइम थी ओटी में और थाना मड़िया की टीम इसमें शामिल है।